बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 फैसलों पर लगी मुहर। राज्य से प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम समितियों का होगा पुनर्गठन। बिहटा हवाई अड्डे को मिलेंगे 260 करोड़ रुपए। जहानाबाद के बानाबर में बनेगा रोपवे। ऊर्जा विभाग को बधाई के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की हर घर बिजली योजना की शुरुआत। अब एपीएल परिवारों को भी सरकार अपनी ओर से देगी कनेक्शन। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की थीम पर मनाया जा रहा राज्य का स्थापना दिवस। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने राज्य की दो नदियों के विकास का किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। पेट्रोल 1.46 रुपए तो डीजल 1.53 रुपए हुआ सस्ता। जी पुरवैया पर ऑपरेशन काला सोना दिखाए जाने के बाद जागी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लैक मनी के खेल में लगे ज्वेलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। 18 मार्च 1999 की शाम बिहार के सिनारी गांव में कोहराम मच गया था। नक्सलियों ने गांव पर धावा बोलकर 34 लोगों को बंधक बना लिया और फिर बड़ी बेरहमी से सभी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। 27 अक्टूबर को जहानाबाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज फैसले का ऐलान किया। दिखाएंगे पूरा मामला, साथ ही बात उस पत्रकार की भी होगी जिसका परिवार इंसाफ मांग रहा है। इन सबके अलावा गुनाह की और भी खबरें आपके सामने होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। सत्रह साल के बाद जहानाबाद कोर्ट ने सिनारी हत्या के मामले में सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई जबकि 3 दोषियों को उम्र कैद का फैसला सुनाया है। 18 मार्च 1999 की उड़ान जब नक्सलियों के हथियारबंद दस्ते ने तब के जहानाबाद जिले के सिनारी गांव पर धावा बोला था। नक्सलियों ने एक जाति विशेष के 34 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर सभी का गला रेत कर हत्या कर दी। इस नरसंहार के 17 साल बीत जाने के बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान किया है। जहानाबाद के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि 23 आरोपियों को रिहा कर दिया। आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। 17 साल बाद आया फैसला। कोर्ट ने 13 दोषियों को सजा सुनाई। 10 दोषियों को मौत की सजा। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2 दोषी फरार चल रहे। फरार होने की वजह से सजा नहीं सुनाई गई। 1 अन्य दोषी को 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 10 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। मृत्यु दंड वालों की सूची। बच्चेश सिंह, बुद्धन यादव, भुटाई यादव, सत्येंद्र यादव, ललन पासी, द्वारिका पासवान, करीबन पासवान, गोडाई पासवान, उमा पासवान, गोपाल पासवान। फांसी 10 लोगों को हुआ है। आर्थिक दंड कितना? 1,00,000 का आर्थिक दंड है। किन लोगों को आर्थिक दंड लगाया गया है? 3 आदमी का है आपको जिनको फांसी की सजा है। एक विनय पासवान है, अरविंद यादव और मुंगेश्वर यादव। ये तीनों को जो है लाइफ इंप्रिजमेंट हुआ है प्लस 1,00,000 फाइन है। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद सेनारी गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। और अब आपको ले चलते हैं सेनारी गांव। दिखाएंगे कि क्या हाल है वहां का, क्या सोचते हैं वहां के लोग। 17 साल पहले हुए हत्याकांड के बाद गांव के लोग आज भी डरे हुए हैं।
लोगों के नाम हैं जिन्हें 18 मार्च 1999 की रात में बेरहमी से मार डाला गया था। सेनारी गांव, जहां मारे गए लोगों की याद में शहीद स्थल भी बनाया गया है। खो चुके अपनों की याद में आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बिहार के अरवल जिले में पड़ने वाले सेनारी गांव में आज भी सन्नाटा है। 17 साल बाद आए फैसले के बाद पीड़ित परिवार क्या सोचता है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। ढंग से अनुसंधान न होने के कारण मात्र 15 आदमी को सजा हुआ है। आप ही जरा सा इस पर सोचिए कि 30 और 35 आदमी को वो मारने वाला, माने 15 आदमी 30 और 35 आदमी को मार देगा। हमारी टीम ने उस दिन की घटना के बारे में जानना चाहा, जब 34 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। आखिर हुआ क्या था उस रात, आप भी सुनिए चश्मदीद की जुबानी। घटना में MCC के लोग शाम में करीब 7:15 के करीब आए और आकर के बोले कि देखिए हम लोग पुलिस के आदमी हैं, से हम सिर्फ रणवीर सेना के लोग को पकड़े हुए हैं, उनको पहचान कराने के लिए आप लोग को लेकर के जा रहे हैं। वहां पर गांव के लोग को पकड़ करके ले गया और सब लोग को हाथ पीछे ऐसे कर करके बांध दिया और कहा कि से हम लोग रणवीर सेना का आदमी नहीं, हम लोग MCC का आदमी है और तुम लोगों को हत्या कर रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, कहां कहां ये गांव का नाम बोला कि हाँ यहाँ का बदला ले रहे हैं। कुछ लोग उसमें से पूछे भी कि भाई हम लोग का क्या गलती है, हम लोग क्या किए हैं, तुम लोग कुछ किए नहीं हो, एक जाति विशेष के हो ना, इसलिए हम तुमको मारे। इस गांव में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर है। सेनारी गांव में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। धान कटाई पर भी उसका असर पड़ने की उम्मीद है। आसपास के गांव के लोग खेतों में तैयार पड़े धान को काटने के लिए तैयार नहीं है। लोगों में डर समाया है। नरसंहार के चश्मदीद बताते हैं कि वारदात के बाद से ही डर से लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। क्या घटना, अब क्या है गांव में, क्या है गांव का स्थिति, यहाँ बहुत कम संख्या लोगों का है, सारा लोग भय से डर से यहाँ से पलायन कर गए हैं, बहुत गिने चुने लोग इस गांव में रह रहे हैं। बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन मुस्तैद है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या वारदात न हो। राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। राजदेव रंजन की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की 12 नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी को स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और इस हत्याकांड की जांच वो CBI से कराने की मांग करती है। कलम का साथ छूटने के बाद परिवार के सामने अब अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो गया है। ये परिवार है कलम के उस सिपाही का जिसकी सांसें अब थम चुकी हैं, जिसने अपनी कलम से समाज को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को जगाते जगाते वो खुद सो गए। सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। सासाराम के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की हत्या के बाद पूरे परिवार में मातम है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे और हमें भी कैसे। कलम का साथ छूट चुका है और अब परिवार के भविष्य की चिंता सताई जा रही है। धर्मेंद्र की 15 साल की पत्रकारिता का सिला गोली के रूप में मिला। इस गोली ने केवल एक शख्स की हत्या ही नहीं की बल्कि एक परिवार को भी भविष्य के सवालों का मोहताज बना दिया। अब बेटे की चिंता है, खुद की चिंता है और चिंता के बीच स्थानीय पुलिस पर भरोसा भी नहीं रहा, लिहाजा मृतक धर्मेंद्र की पत्नी हत्याकांड की CBI जांच की मांग कर रही है। CBI जांच चाहिए,
हमको बाल बच्चे के कोई नौकरी है, कोई घर के परिवार का चाहिए हमको, हमको मुआवजा चाहिए, हमको पति को आतंकवादी मार दिया, हमको स्थानीय पुलिस बनाई है भरोसा, हमको सीबीआई जांच चाहिए, हमको छोटा छोटा लड़का है, हम कहाँ जाएंगे लेकर, अन्याय किसी हमारे साथ। धर्मेंद्र का बेटा ऋषुराज 8वीं क्लास में पढ़ता है, अब उसे चिंता है कि उसकी पढ़ाई कैसी होगी, भविष्य का क्या होगा। मैं पढ़ रहा था, मेरे एक छोटे भाई और बहन है, हम लोग कब भरोसे थे, हम लोग को पढ़ाई लिया इनके व्यवस्था की जाए, हम लोग मेरे भाई के लोग यही है मेरे कहना है बस। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और स्थानीय नेता निवेदिता सिंह फपक पड़ती हैं, वो सरकार पर बरसती भी हैं और मृतक धर्मेंद्र सिंह के परिवार के लिए राहत भी मांगती हैं। जो ये गूंगी बहरी सरकार बिहार में बैठी हुई है, रोज हत्याएं हो रही हैं। एक औरत होने के नाते दिल फट जाता है, बच्चों को कैसे कोई पालेगा, भाई पति का साथ निभाते नहीं होते, औरत की जिंदगी बीतती है, उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाए, उचित सरकार मुआवजा दे कम से कम 25 लाख, ताकि बच्चों का भलन पोषण हो सके बढ़िया से, क्योंकि इनके परिवार में कोई है नहीं, एक भाई है वो गृहस्थी पे है, पिताजी विकलांग है, कैसे चलेगा इनका जीवन। प्रशासन की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक रोहतास के जिलाधिकारियों और एसपी ने परिवार की कोई सुध नहीं ली। प्रशासन की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक रोहतास के जिलाधिकारी और एसपी ने परिवार से मिलकर पूछताछ करने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, सुशील मोदी समेत कई नेता धर्मेंद्र के घर पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दे चुके हैं। हालांकि इलाके के डीआईजी ने परिवार वालों से मुलाकात की और पत्रकार धर्मेंद्र की ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ की। पत्रकार की मैं बहादुरी की दाद देता हूं कि गोली लगने के बाद भी उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया जिसने इसे गोली मारी। इस क्षेत्र के जो भी अपराधी थे या सामाजिक तत्व थे धर्मेंद्र से डरते थे कि, और अपराधियों को यह शक था कि धर्मेंद्र के चलते ही हम लोगों की थोड़ी रंगबाजी नहीं हो रही। पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की हत्या ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं है और एक और पत्रकार की कलम को गोली के दम पर खामोश कर दिया गया। अब देखना है कि इन बेबस आंखों को इंसाफ की रोशनी कब दिखाई देती है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगने से नक्सलियों के खेमे में बौखलाहट है। नक्सली संगठन अब अपने पैसों को जनधन योजना में खुले गांव वालों के खातों में खपाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि नक्सली कैश वैन को निशाना बना सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद रांची पुलिस ने उग्रवादियों के 25 लाख रुपए बरामद किए। रुपयों की बरामदगी से साफ हो गया कि उग्रवादी संगठन अपना पैसा खपाने में जुटे। नक्सली और उग्रवादी संगठन तरह तरह के तरीके अपनाकर अपने काले पैसे को वाइट करने में जुटे। मिल रही जानकारी के मुताबिक नक्सली जनधन योजना में खुले गांव के लोगों के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितने भी पैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट में हो रहा है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त नक्सलियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी हुई है, हम लोग समन्वय स्थापित किए हुए हैं और हमारा ध्येय है कि किसी प्रकार से ये लोगों ये जो पैसा इधर उधर कर रहे हैं उसमें हम लोग रोक लगाएं। नक्सलियों की गतिविधि को देखते हुए पुलिस अब कैश वैन को लाने ले जाने में सतर्कता बरत रही है। ऐसे किसी भी मामले से निपटने के लिए झारखंड पुलिस लगातार आईबी की संपर्क में है।
ये जो बैंकिंग प्रणाली है हमारी और जो हमारी एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे ईडी हो, इन लोगों को हम लोग एक मीटिंग भी कर रहे हैं और इन सारी बातों से उनको अवगत करा रहे हैं। तो ये हमारी जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं ये उनके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो उनसे हम लोग संपर्क स्थापित करके इस पर कार्रवाई करें। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगने से नक्सलियों के खजाने पर भी असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर के जरिए ज्यादा से ज्यादा जगहों पर करेंसी भेजी जा रही है। सनी शरद, जी मीडिया, रांची। दरअसल नोटबंदी का असर नक्सली और उग्रवादी संगठनों पर पड़ना तय है, क्योंकि नक्सलियों और उग्रवादियों के पास लेवी के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। ऐसे में ये लोग काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में हैं। हालांकि पुलिस की इनकी हर गतिविधियों पर पैनी नजर है। नक्सलियों पर नोट का चोट, लाल गलियारे में हाहाकार, धरे के धरे रह जाएंगे लेवी के रूपे। नक्सलियों की हर गतिविधि पर नजर। 500 और 1000 रुपए के नोट के चलन के बाहर होने का असर नक्सलियों और उग्रवादियों की गतिविधियों पर पड़ सकता है, क्योंकि नक्सलियों के पास लेवी के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। ऐसे में नक्सली जनधन योजना के तहत खुले खातों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। नक्सलियों का अब एक ही उद्देश्य इस क्षेत्र में या कहीं भी है, वो है लेवी, और लेवी के बहुत पैसे नक्सलियों के पास पहले से भी रखे हुए हैं, जो कि ये इस अनाउंसमेंट की वजह से इनको काफी नुकसान हुआ होगा। तो हम लोग इस बात पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं कि अपनी ब्लैक मनी को कहीं मूव कराने की या चेंज कराने की कोशिश या फिर आग में हो, तो यदि इस तरह का जबरदस्ती गांव वालों को जबरदस्ती अपने जनधन के अकाउंट को यूज करके कन्वर्जन की कोई बात आई तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और गांव वालों के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। नक्सली झारखंड में हर साल हजारों करोड़ रुपए लेवी के रूप में वसूलते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल हथियार और गोलियों के अलावा गोला बारूद खरीदने के साथ संगठन के विस्तार में खर्च करते हैं। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट का चलन अचानक बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद नक्सलियों की अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट पड़ी है। उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले के बाद नक्सली और उग्रवादी गतिविधियों में भी कमी आएगी। गिरिडीह से मृणाल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुनाह की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। में ये सब क्रीम के बाप लगते हैं। जी हाँ, और नाम है बोरोप्लस। बोरोप्लस एक ऐसी क्रीम जो निभाए अनेक रोल्स, विंटर क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर, ड्राई लिप्स के लिए और फटी एड़ियों के लिए भी, सभी गुण एक ही क्रीम में। लुबन मेमोरियल अस्पताल, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना, बिहार के प्रसिद्ध एवं पूर्ण प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा स्थापित एक सामूहिक प्रयास है। आपके अपने घर के सपने को करने पूरा आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप लाए हैं। आशीर्वाद पीएनबी गैलेक्सी, पटना फतुहा हाईवे, आशीर्वाद हेरिटेज रामकृष्णा नगर पटना, आशीर्वाद घनश्याम भूपतिपुर ग्रीन सिटी भूपतिपुर पटना। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। बुकिंग के लिए कॉल करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। आशीर्वाद एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, हम घर बनाते हैं, हम खुशियां भी बनाते हैं। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं
अब एक नजर डाल लेते हैं गुनाह की उन बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। धनबाद पीएमसीएच में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह प्रसव कराने आई महिला की मौत को बताया जा रहा है। मृतिका के परिजनों की माने तो महिला की मौत डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से हुई। दरअसल प्रसव से पीड़ित महिला उषा देवी परसों रात पीएमसीएच में भर्ती होने आई थी और महिला ने एक बच्ची को जन्म भी दिया, लेकिन अचानक महिला को उल्टी होने लगी। पीड़ित परिवार रात भर नर्स को बुलाने के लिए गए, बार बार गए, लेकिन कोई नर्स नहीं आई, न ही वहां कोई डॉक्टर ही पहुंचे। तड़प तड़प कर पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया। इसी बात को लेकर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया। आरा के नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में आज एक युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं युवक की हत्या की वजह प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या के लिए विशाल नामक युवक का हाथ होना बताया है। पुलिस फिलहाल अपराधियों को पकड़ने में जुटी है। भोजपुर जिले के जोगवालिया मोड़ के पास दो ऑटो आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 5 लोगों का इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरा सरैया मार्ग को जामकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि आगे निकलने की होड़ में दोनों ऑटो आपस में टकरा गए। शराबबंदी के बावजूद पीने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तूफान एक्सप्रेस से आ रहे एक कारोबारी को विदेशी शराब समेत पकड़ा गया। पटना साहिब स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कारोबारी को करीब आधे दर्जन अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया। ये बोतलें झारखंड से लाई जा रही थी। एक व्यक्ति उतर करके झोला लिए हुए थे, हम लोगों को देख कर तेजी से जाने लगा। शिक्षक होने पर उसका बैग चेक किया गया, जिसमें से 5 बोतल रॉयल स्टिप, 1 बोतल इंपीरियल दुर्गा विदेशी शराब बरामद हुआ। सिवान में एक बार फिर स्कूल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। एक स्कूल के वैन में आज सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बाढ़ के शहरी सरमेरा पथ पर इन दिनों सैकड़ों ओवरलोडेड पत्थर लदे ट्रैक्टरों से इस रास्ते पर चलने वाले लोग परेशान हैं, जिससे हमेशा ही हादसों का खतरा बना रहता है। लेकिन अनुमंडल प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। शेखपुरा से बाढ़ के एनटीपीसी तक लाए जाने वाले वाहनों में सरकार के नियमों को तोड़ते हुए वाहन के डाला को ऊंचा करके क्षमता से ज्यादा माल लोड कर इन ट्रैक्टरों को चलाया जाता है, जो रोड को भी डैमेज करता है। लोगों ने कालाबाजारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। नालंदा में ऑपरेशन के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर बवाल किया। बिहार थाना इलाके के टिकुली पार मोहल्ले में शिवम क्लिनिक में महिला का इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। लोगों के गुस्से से घबराए चिकित्सक और क्लिनिक के कर्मचारी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। अभी हो जाए ना कांड, है ना, ले गया बेहोश किया, कुल्लूलारे लगा, दोबारा भी बेहोशी वाला सुझा दिया इसको। आया बाहर 9:25 में ही हिला था रूम में, 10:30 बजे की 11 बजे के बीच में निकला, उसके बाद इसको होशी में। डॉक्टर ने का लापरवाही कारण ये सारा चीज हुआ है। कौन डॉक्टर ने? उर्मिला सिन्हा। किस चीज का ऑपरेशन कराने गए थे? बलदानी का ऑपरेशन कराने गए थे, उसको जवाब देना होगा। स्कूल बैग के जरिए भी अब विदेशी शराब की तस्करी होने लगी है। दरअसल शराब तस्करों ने यह नई तरकीब निकाली है। सहरसा पुलिस ने तकरीबन 73 लीटर अवैध विदेशी शराब 9 स्कूली बैग में छिपा कर रखे थे, जिसे बरामद किया। शहर के कचहरी रोड स्थित बोरपट्टी से इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।
कह सकते हैं कि बिहार सरकार के शराबबंदी के बावजूद भी शराब की तस्करी जारी है और तस्कर रोज नए नए नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना साहब का गुनाह की खबरों में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने, तब तक के लिए नमस्कार। जिन हाथों ने प्यार दिया, जिन हाथों पे मेहंदी लगी, जिन हाथों ने ममता दी, उन्हीं पे अत्याचार हुआ। साधारण डिशवॉश टिकिया हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नरम और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नरम। पेश है रूपा टोरिडो प्रीमियम थर्मल्स, पूरे परिवार के लिए सर्दियों में ओनली टोरिडो। असली सेम की पहचान ये बैग में छपा हेमा मालिनी का फोटो और जेबी का होलोग्राम है। नकली सेम बनाने वालों से सावधान। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। हाँ, नो चेंज। आपका हुआ 295। नहीं नहीं पेटीएम। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो, पेटीएम करो। झारखंड का 17वां स्थापना दिवस, 15 साल की दीर्घकालीन परिकल्पना, 7 साल की रणनीति और 3 साल के लिए एक्शन प्लान ने विकास को नई दिशा दी है। पिछले साल हमने जिन कार्यों को लिया उसे पूरा करने को हम वचनबद्ध हैं। इस सरकार ने मेरे घर में गैस चूल्हा जलवाया, अब मेरी आंखों में खाना बनाते समय धुआं नहीं लगता और ना ही जलावन लाने के लिए दूर जंगल जाना पड़ता है। चलो, सपना पूरा हुआ, अब इस बुढ़ापा में कोई तो है जो मुझे तीर्थ यात्रा करा रहा है। रघुवर सरकार ने हमें दी कृषि सिंगल विंडो, जिसने हमारी जिंदगी ही बदल दी। शुक्र है राज्य में एक अच्छी सरकार है, रघुवर सरकार है। हमने तय किया इस राज से आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर गरीबी को नष्ट हो। के अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के विभिन्न नियम के अधीन पूर्व निर्धारित शुल्क में संशोधन की स्वीकृति मिली। पटना हवाई अड्डा के विकल्प के रूप में बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए 126 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 260 करोड़ की स्वीकृति मिली। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को विघटित करने और नए को गठन करने को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति मिली। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनयन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।